नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रूम में होंगे। याद रखिए, इसमें हम लोग जो 700-800 के करीब क्वेश्चंस खत्म करेंगे। एक तरह से कह लीजिए कि वन डे एग्जाम के लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। भूगोल का सार कह लीजिए ना। तो आप जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले रिवीजन के तौर पर इन्हें देख कर जा सकते हैं, ठीक है। एक तरह से मॉक टेस्ट है आपके लिए। तो चलिए, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के वर्ल्ड जी के हो गया, इंडिया जी के, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी देख चुके हैं, ठीक है। ये है आपका भूगोल। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आपका? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है आखिर? तो याद रखना है आपको, भूगोल का जनक कहा जाता है एरोटोस्थनीज को। एरोटोस्थनीज को, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये थे आपके इरेटो स्थनीज, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो ये थे आपके कार्ल रीटर, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका चार, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये था आपका H.S. बेरोज, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पांच, भूआवर्ती विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भूआवर्ती विज्ञान का जन्मदाता आपके पेसल को माना जाता है। क्वेश्चन है आपका छठवां, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ये था आपका वारेनियस। क्वेश्चन है आपका सातवां, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी विस्तृत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो यह आपका कॉपर निकस। क्वेश्चन है आठ, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड आपके ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है नौ, भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ये थे आपके कांट। क्वेश्चन है आपका दस, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो याद रखना आठ। क्वेश्चन है ग्यारह, क्या है क्वेश्चन? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं आप लोग? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उपग्रह, सी ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है आपका बारह, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा नौवा, सॉरी तेरह, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका 21 जून को।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 14, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 15, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। क्वेश्चन है 15, एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। क्वेश्चन हमारा, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे उपसौर कहते हैं। क्वेश्चन है आपका 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में आपके 89 यानी कि 89 तारामंडल हैं। क्वेश्चन है 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या क्या है? तो इसकी है 4। क्वेश्चन है 20, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, अभिनव तारा। आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य आपका एक तारा है। क्वेश्चन है 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 30 सेकंड के करीब। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 23 यानी कि 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो ये आपका वरुण। क्वेश्चन है आपका 24, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। क्वेश्चन है आपका 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो याद रखना, बुध में। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 26, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसे 88 दिन। क्वेश्चन है आपका 27, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध। क्वेश्चन है आपका 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो याद रखना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका 29, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो यह आपके शुक्र और बुध, इनके उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन है आपका 30, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो यह आपका शुक्र। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 31, क्या है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये ग्रह है आपका शुक्र। क्वेश्चन है
क्वेश्चन है हमारा 32, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये होती है जनवरी में। क्वेश्चन है आपका 33, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये था आपका स्वेज़ थे। क्वेश्चन है आपका 34, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे में। क्वेश्चन है आपका 35, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अवस्था आवश्यकता है या अधिकता है? तो यह आपका सीमा, बी ऑप्शन सही है। याद रखिए इस तरह की जो भी आपकी पीडीएफ होती है वो सभी टेलीग्राम पर मिल जाती हैं, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिए। क्वेश्चन है 36, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसमें होगा आपका भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है आपका अगला क्या है, 37, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो याद रखना है 68 यानी कि 68%। क्वेश्चन है आपका 38, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ये आपका 100 किलोमीटर। क्वेश्चन है आपका 39, पृथ्वी के भूपरपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 40, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो यह 29.2%, और बाकी आपका जल पाया जाता है, ठीक है, महासागर हो गए, सागर हो गए इस तरह। क्वेश्चन है आपका 41, पृथ्वी ग्रह की संरचना में पोवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये आपका लोहे। क्वेश्चन है आपका 42, पृथ्वी की तीन साकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो इसका है सीमा। क्वेश्चन है आपका 43, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो आपको बता देना है 180, कुल अक्षांशों की संख्या है 180। और क्वेश्चन है 44, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360, अक्षांश 180, देशांतरों की कुल संख्या 360। क्वेश्चन है आपका 45, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यह आपका सिंगापुर। क्वेश्चन है हमारा 46, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जायरे से नहीं गुजरती, चीन भारत से गुजरती है। तो इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 47, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? 180 डिग्री से, ठीक है। क्वेश्चन है आपका
48 ग्रीन बीच किस देश में है? तो ये आपका यूके में। क्वेश्चन है हमारा 49, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो याद रखना 4 मिनट। जैसे ही आप लोग 1 डिग्री देशांतर को पार करोगे 4 मिनट आगे चले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 50, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1884 में, 1884 में। क्वेश्चन है हमारा 51, भारत का पैमाड़िक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये आपका इलाहाबाद से। क्वेश्चन है हमारा 52, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? ये आपका 75%। क्वेश्चन 53, कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में, कोयला आपका परतदार चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टाने नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है, बाकी स्लेट हो गई, संगमरमर, स्फटिक, ये सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका ए है। क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन कायांतित सेल है? तो ये है आपकी संगमरमर। क्वेश्चन है आपका 56, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल में। अब आप लोगों को बताइए कौन सा ही पर्वत शिखर है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल में कौन सा सर्वोच्च शिखर है उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो ये आपकी एंडीज। क्वेश्चन है आपका 58, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। क्वेश्चन है हमारा 59, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये आपका इक्वाडोर में। क्वेश्चन है 60, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 78%। क्वेश्चन है हमारा 61, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो है आपकी ऑर्गन। 61 में आपका सी। क्वेश्चन है 62, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन है आपका 63, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन क्या है? तो है आपका जलवाष्प। क्वेश्चन है हमारा 64, लुएस पठार स्थित है चीन में। क्वेश्चन है 65, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। क्वेश्चन है 66, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन आपका वायुमंडल की झोप मंडल में होता है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 67, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो
तो ये आपकी ओजोन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 68, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी आपकी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। क्वेश्चन है आपका 69, निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति की का सुरक्षा बल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को वाल्व कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका 70, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये आपका इक्वाडोर में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 71, निम्नलिखित निम्न में से कौन एक पर्वत वलित पर्वत है? तो ये आपका हिमालय, हिमालय एक वलित पर्वत है। क्वेश्चन है 82, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखना 9%। क्वेश्चन है आपका 73, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, एल तरंगे। क्वेश्चन है आपका 74, नवीनतम पर्वतमाला है यूराल, यूराल आपकी नवीनतम पर्वतमाला है। क्वेश्चन है 75, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो यह आप टेस्थिस। क्वेश्चन है 76, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह आपका इटली में। क्वेश्चन है 47, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह आपकी अंटार्कटिका में। क्वेश्चन है हमारा 78, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 79, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी आयन मंडल। क्वेश्चन 80, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो ये आपकी आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 81, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? आयन मंडल में। क्वेश्चन है 82, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? जोब मंडल में। क्वेश्चन है आपका 83, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, सामान्य वायु दाब आपका पाया जाता है सागर तल पर। क्वेश्चन है आपका 84, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का। क्वेश्चन है 85, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। क्वेश्चन है आपका 86, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं आपकी व्यापारिक पवनें।
86 क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 87, हवाई जहाज प्रयाग किस में उड़ते हैं? तो आपके समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 88, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है झोप मंडल। क्वेश्चन है हमारा 89, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो ये होती है आपकी अंडाकार। क्वेश्चन है 90, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चजू। क्या कहलाता है? चा छू। प्रोनाउंस कर लीजिए आप जैसा भी हो, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 91, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं पक्षाव। क्वेश्चन है हमारा 52, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिमराम मेघालय में, भारत में ही है याद रख। क्वेश्चन है 93, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो यह आपका आटाकामा मरुस्थल। क्वेश्चन है 94, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपियर झील। क्वेश्चन है 95, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की छत के नाम से जाना जाता है? झोप मंडल। क्वेश्चन है आपका 96, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यह आपकी बैकाल झील। क्वेश्चन है 97, विश्व का सबसे जल ऊंचा जलप्रपात है आपका? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। क्वेश्चन है हमारा 98, नियाग्रा जलप्रपात है ये आपका यूएसए में। क्वेश्चन है 99, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है आपका मृत सागर। क्वेश्चन है 100, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते कम आर्द्रता के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 100 में आपका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोगों ने 100 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं, 101 से अब हम लोग आगे बात करेंगे। याद रखिए 100-100 क्वेश्चंस करके आपको देखना है, ठीक है? एक हट्टे आपको भी याद नहीं होंगे तो 100 क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा टाइम देने के बाद अगले 100 क्वेश्चंस देखिए, ठीक है?